हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक आपने आ की मात्रा सीखी है, तो आज हम एक नई मात्रा करेंगे, छोटी ई की मात्रा। हेलो बच्चों, मैं हूँ छोटी ई की मात्रा और मैं हमेशा व्यंजन से पहले लगती हूँ, क्योंकि मैं छोटी हूँ ना, इसीलिए। तो चलो आज मेरी एक कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक की मात्रा घूमने निकली और घूमते घूमते रास्ते में भटक गई। और जब वो रास्ते में भटक गई तो उसे मम्मी की याद आई और वो जोर जोर से रोने लगी। जब वह रो रही थी तभी वहां से क व्यंजन और म व्यंजन गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कहीं से रोने की आवाज आ रही है। तो वो देखने लगे कि कौन रो रहा है। जैसे ही क और म थोड़ा आगे गए, उन्होंने देखा कि छोटी ई की मात्रा जोर जोर से रो रही थी। तो क और म ने पूछा कि अरे तुम रो क्यों रही हो। तो ई की मात्रा ने बोला कि मैं बाहर घूमने निकली थी और मैं रास्ता भटक गई, मुझे घर जाना है, अपनी मम्मी के पास। फिर क बोला, अरे तुम रो मत, हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास पहुंचा देंगे। उन दोनों ने ई की मात्रा को उसकी मम्मी के पास पहुंचा दिया और ई की मात्रा बहुत खुश हुई। फिर ई की मात्रा क और म की दोस्त बन गई। जब क और ई की मात्रा दोस्त बन गए तो क की बन गया, और जब म और ई की मात्रा की दोस्ती हुई तो म मी बन गया। फिर वह आपस में दोस्त बन गए। फिर क और म ने बाकी के व्यंजनों के साथ भी ई की मात्रा की दोस्ती करा दी। और जब सभी व्यंजन ई की मात्रा के दोस्त बन गए तो आओ देखें कि सभी व्यंजनों की आवाज कैसी हो गई। क ई की, ख ई खी, ग ई गी, घ ई घी, च ई ची, छ ई छी, ज ई जी, झ ई झी, ट ई टी, ठ ई ठी, ड ई डी, ढ ई ढी, अणे ई हणी, त ई ती, थ ई थी, द ई दी, ध ई धी, न ई नी, प ई पी, फ ई फी, ब ई बी, भ ई भी, म ई मी, य ई यी, र ई री, ल ई ली, व ई वी, श ई शी, श ई शी, स ई सी, ह ई ही, क्ष ई क्षी, त्र ई त्री,
ज्ञ ई गी श्र ई श्री। तो बच्चों, छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगाई जाती है और इसकी ध्वनि भी छोटी होती है, ई ऐसे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज आप सभी छोटी ई की मात्रा का मौखिक व लिखित अभ्यास करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।